हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को सीबीएसई नेट के लिए जो बुक्स आती हैं, टॉप की जो बुक्स हैं मैनेजमेंट या कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए, वो मैं बताने जा रहा हूं, जिसकी वजह से आप जो है ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बुक्स तो काफी ढेर सारी हैं, बहुत सारी पूरी मार्केट बुक्स से भारी पड़ी हुई है, बट क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी बुक से पढ़ें, इसमें कम से कम टाइम लगे और पैसे भी बर्बाद ना हो। सपोज आपने एक बुक ले लिया, वो अच्छी नहीं थी या आपका सिलेबस कवर नहीं कर रही थी, तो फिर आपको जाहिर सी बात है उसको हटा करके दूसरी बुक लेनी पड़ेगी। उससे आपका टाइम भी वेस्ट होता है और मेहनत भी बेकार जाती है और पैसा तो वेस्ट होता ही होता है। तो यहाँ कुछ बुक्स मैं लिख रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट की जो भी हैं सिलेबस में, वो सारी बुक्स मैं लिख रहा हूँ, आप उनको जो है ले सकते हैं, देख सकते हैं और उससे तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ तो उसमें दोनों की बनाने जा रहा हूँ, मैनेजमेंट की और कॉमर्स की। मैनेजमेंट और कॉमर्स का सिलेबस लगभग लगभग सेम है, कुछ जो है चीज़ें जो है उसमें ये जो है इंक्लूड होती हैं, कुछ एक्सक्लूड होती हैं। जैसे मैनेजमेंट में जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, और क्या नाम है, कॉमर्स में जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। इसी तरह जो है मैनेजमेंट में बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं है, कॉमर्स में बिजनेस इन्वायरमेंट है। तो इसी तरह मैं सब लिख दे रहा हूँ, मैं बता भी दूंगा कौन सी कॉमर्स की है, जो आप ले सकते हैं और उसके थ्रू जो है आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो बुक है वो आप ले सकते हैं, डायनामिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस by C.B. Mamoria। ये ऑथर का नाम है C.B. Mamoria, ठीक है, और इसके पब्लिशर हैं मालिया पब्लिशिंग हाउस। मैंने यहाँ राइटर भी बता दिया है और उसका जो ऑथर है वो भी बता दिया है। सीबी मंगोलिया की हिमालय पब्लिकेशंस की आती है, बहुत अच्छी बुक होती है। जितना मैटर है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वगैरह का, ये सब इसमें मिलेगा। इसी तरह एक और किताब है इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, अरुण मुनप्पा, ये भी बहुत अच्छी किताब है इंडस्ट्रियल रिलेशन की, बहुत ही टॉप की क्वालिटी की बुक है अरुण मुनप्पा की। इसका वो है पब्लिशर है TMS टाटा मैकग्रा हिल, आप नोट कर सकते हैं। दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है, सभी लोग जानते हैं, पढ़े हैं, ये तो बताने की जरूरत नहीं, सभी लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की किताब IM पांडे से ही पढ़ते हैं ज्यादातर लोग, तो IM पांडे काफी है। ये विकास पब्लिकेशन की आती है, विकास पब्लिकेशन की IM पांडे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। इसके अलावा एक और राइटर आप देख सकते हैं, ठीक ही ठाक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय जी सुदर्शन, जी सुदर्शन रेड्डी, इसकी भी आप ले सकते हैं, मगर IM पांडे बेस्ट रहेगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फाइनेंस का एक और पार्ट होता है सिक्योरिटी
एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये आती है, राइटर है पुनी थावाथी पांडियन, पुनी थावाथी पांडियन, पब्लिशर है विकास, देख सकते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पुनी थावाथी पांडियन विकास पब्लिकेशंस की, ये बहुत अच्छी किताब है, अगर आप इसको ले लेते हैं तो दूसरी पढ़ने की बुक सिक्योरिटी एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तीसरा सब्जेक्ट है ओबी और नेशनल बिहेवियर, इसकी किताब है एल एम प्रसाद की, राइटर है एफ चांद, सॉरी राइटर नहीं, पब्लिशर जो है एस चांद है, सुल्तान चांद, सुल्तान चांद की आती है एल एम प्रसाद, बहुत अच्छी बुक है और अगर आप सारे टॉपिक इसके पढ़ लें तो काफी हद तक जो आपको मदद मिलेगी। ओबीसी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है आते हैं साइकोलॉजिकल थ्योरी वगैरह के, मोटिवेशन के, परसेप्शन के, लर्निंग के, सब कुछ आता है और जो कुछ भी है वो भी का है, थोड़ा लेंथी है, थोड़ा लैंग्वेज टफ है इसकी एल एम प्रसाद की, बट बहुत अच्छी बुक है। नेक्स्ट फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये कॉमर्स का है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट काफी सारी किताब आती हैं इसकी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, आप कोई भी ले सकते हैं या मैं एक राइटर बता दे रहा हूं, ये है मुरुगन एम शक्ति वेल, पब्लिशर इसका है न्यू एज, न्यू एज पब्लिकेशंस की है, अच्छी किताब है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मुरुगन एम शक्तिवेल की, हर जगह अवेलेबल है आप ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की किताब है आप वो भी ले सकते हैं, बट आपका जो कोर्स है वो कवर होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉमर्स वालों के लिए बिजनेस बिजनेस एनवायरनमेंट बुक, बिजनेस एनवायरनमेंट राइटर इनके हैं फ्रांसिस चेरुल, फ्रांसिस चेरुलम हिमालय पब्लिकेशंस, इसका जो नया वर्जन है वो काफी अच्छा है, नया जो एडिशन है इसका बिजनेस एनवायरनमेंट का, पुराना तो बहुत मुश्किल था जो अर्लियर स्टेज में जो पब्लिश हुए थे, बट जो नया जो उसका है एडिशन है बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है, आप इसको देख सकते हैं। फ्रांसिस चेरुलम की किताबें काफी सारी जो है के कॉलेजेस में भी पढ़ाई जाती हैं, तो अगर लाइब्रेरी वगैरह से मिल जाए तो काफी इससे मदद होती है। नेक्स्ट है कॉमर्स वालों के लिए इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस, ये भी फ्रांसिस चेरुलम की ही है हिमालय पब्लिकेशंस, ये भी
उसी की आती है, फ्रांसिस चिरंगर की। नेक्स्ट है मैनेजमेंट वालों के लिए, बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये बुक है, ये आती है आधार कादमी की, पब्लिशर है PMH, आधार कादमी की बुक है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो है प्रोफेसर थे उन्हीं की बुक है, काफी अच्छी है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। नेक्स्ट है ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन रिसर्च इसकी है आती है DS हीरा, बहुत मशहूर नाम है DS हीरा की आती है। इसी तरह ऑपरेशन मैनेजमेंट की एक और किताब है, वो है CA PC तुलसियान, किसी तुलसियान के नाम, तुलसियान तुलसियान के नाम से होती है, मशहूर है ये दोनों जो है एस चांद के पब्लिशर है, सुल्तान चांद। नेक्स्ट बुक है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की काफी सारी किताबें हैं, आप कोई भी ले सकते हैं जिसमें आपका कोर्स कंटेंट जो है मिल जाए, सारी ले सकते हैं, बट एक यहाँ पे नाम भी मैं दे रहा हूँ JK, ये पियर्सन की है, पियर्सन पब्लिकेशंस की है, JK शर्मा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा आप हिमालय पब्लिकेशंस की जो भी बुक आती हैं वो काफी इजी होती हैं समझने में, तो आप हिमालय पब्लिकेशंस की भी कोई बुक ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट ये के अश्वथप्पा की है, के अश्वथप्पा ने जो है हिमालय पब्लिकेशंस की है। हिमालय की है के अश्वथप्पा, बहुत मशहूर नाम है इसका प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का। अब नेक्स्ट आता है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट, सभी लोग जानते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की कौन सी किताब पढ़नी है, बताने की जरूरत नहीं फिर भी बता दे रहा हूं, फिलिप कोटलर
फिलिप कोटलर की आती है, बहुत अच्छी बुक है मार्केटिंग मैनेजमेंट की, ये आप जो है देख सकते हैं। पियर्सन की आती है फिलिप कोटलर, पियर्सन पब्लिकेशन की आती है। और नेक्स्ट है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसकी जो है कि अश्वथप्पा की आती है। PMH पब्लिकेशन HRM की कई सारी किताबें आती हैं, सुल्तान चांद की भी आती एलएम प्रसाद की भी आती है, वो भी देख सकते हैं। HRM ज्यादातर जो है हर जो है कोर्स कंटेंट जो है वो करता है, कवर करता है। HRM की लंबा जितनी भी बुक होती है ज्यादातर कवर करती हैं, पर जो डीप स्टडी के लिए चाहिए होती है वो चीज जो है इन सब किताबें मिलेंगी। सुल्तान चांद की भी कई किताबें आती हैं पब्लिशर की, उसमें भी आप देख सकते हैं। एक एनी पब्लिकेशंस की आती है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स, उसका नाम नहीं आना रहा राइटर का, वो भी आप देख सकते हैं। एनी पब्लिकेशंस की अच्छी होती है। इसके बाद आती है TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ए ए मुस्तफा, अच्छी किताब है TQM की। नेक्स्ट है काफी इंपॉर्टेंट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स DN DN द्विवेदी किताब मैनेजर इकोनॉमिक्स की काफी अच्छी होती है। एक और आती है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की JB वैशम, ये भी वैशम पाए लखनऊ यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर थे, फिलहाल वाइस चांसलर हैं। इनकी भी बुक जो है काफी अच्छी है, जे भी वैशम पाए इनकी। नेक्स्ट है कॉमर्स वालों के लिए अकाउंटिंग की, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, डॉक्टर SM शुक्ला। साहित्य भवन की SM शुक्ला, ये बहुत डीप समझाते हैं, बहुत आसान तरीके से जो है ये इनकी बुक में लिखा रहता है। ये कॉमर्स वालों के लिए है, मैनेजमेंट में तो होता नहीं है। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप की, राइटर हैं MB शुक्ला, पब्लिशर है किताब महल, काफी मोटी किताब है,
मेहनत अदा करनी पड़ेगी आप लोगों को, बट अच्छी किताब है। एक और आती है सीबी गुप्ता की, देख लीजिए सीबी गुप्ता की प्रिंसिपल एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से कई सारी किताबें आती हैं, आप जो भी हो देख सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तो लिस्ट हो गई आपकी बुक्स वगैरह की और उनके राइटर की। अब जनरली ये सब बुक आप लेते हैं, एक और प्रॉब्लम आती है बुक लेते हैं तो काफी महंगी भी होती हैं, लगभग 3 से 4 हजार रुपए या उससे ऊपर भी जा सकता है सब बुक लेने के लिए। तो तरीका ये होता है शॉर्टकट की जो है, आप इसको जो है सेकेंड हैंड ले सकते हैं, हर बड़े शहर में सेकेंड हैंड बुक की मार्केट होती है, वहाँ ये सब आसानी से मिल जाएंगी और सस्ती मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर किसके पास पैसा नहीं है तो उसके लिए ये ऑप्शन है, सेकेंड हैंड ले सकता है। और उसके बाद जो है एक और तरीका है, आप जो भी बुक्स फिर पढ़ना चाहते हैं मान लीजिए नहीं है तो वो बुक्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल है उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। गूगल पर सर्च कीजिए बुक का नाम, राइटर का नाम, ऑनलाइन बुक books.google.com पे आता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आजकल इंटरनेट सबके पास है, हर एक के पास इंटरनेट है, जैसे नेट के जो सिलेबस है उसमें जो है एंटरप्रेन्योरशिप है, PQM है, ठीक है, और बिजनेस फिजिक्स है, ये इन सब का सिलेबस बहुत छोटा छोटा है, 2-4-10 टॉपिक हैं, तो आप उन टॉपिक्स को अगर बुक खरीद सकते हैं तो खरीद लें, वरना नेट से भी देख सकते हैं। आप टॉपिक डालें और नेट पे जो है आ जाएगा, आप उसको प्रिंट आउट ले लें या देख लें, रिटर्न कर लें, वो इससे आपका पैसा बचेगा और एडिशनल जो है आप टाइम भी वेस्ट नहीं होगा इतनी मोटी बुक पढ़ने से। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं वो जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसको आप जो है नेट से जो है देख के पढ़ सकते हैं, ये भी तरीका है। नेट की तैयारी करने के लिए जब आप बेहतर समय ये होता है जब आप कॉलेज में हो, MBA या MCOM कर रहे हो, तभी जो है आप जो है इसकी जो है क्या नाम है प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसमें फायदा ये मिलता है कि हमको लाइब्रेरी से बुक इश्यू हो जाती है, तो जो भी बुक होती है वो लाइब्रेरी में अवेलेबल होती है, ये सब होती है, इसके अलावा और भी होती हैं, तो आप उसको इशू करा सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हैं तो आपका पैसा भी बचता है और टाइम भी बचता है, काफ़ी आपको भागदौड़ से जो छुट्टी मिल जाती है बुक ढूंढने में ये सब में, तो वो भी कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है। तो दोस्तों ये तो बुक की लिस्ट थी मैनेजमेंट और कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए, नेट के लिए। अगर कोई और क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।